यूज़ ऑफ आइदर एंड नाइदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके उच्चारण के बारे में बात कर ले। आइदर को हम ईदर भी बोलते हैं एंड नाइदर को हम नीदर भी बोलते हैं। दोनों उच्चारण बिल्कुल सही हैं। आप आइदर को ईदर भी बोल सकते हो और नाइदर को नीदर भी बोल सकते हो। आइदर और एंड नाइदर नॉर के यूज़ को सीखने से पहले हम आइदर एंड नाइदर के मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं। आइदर, आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक। जैसे कि हमारे पास दो टी शर्ट हैं, एक ब्लू कलर की एक ग्रीन कलर की। अब इनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना है, या तो ब्लू या तो ग्रीन। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? आइदर का। मीन्स आइदर में हमारे पास दो विकल्प होते हैं और उनमें से हम किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। नाइदर, नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। जब आपके पास दो विकल्प हों और आप उनमें से किसी एक को भी चूज़ नहीं कर सकते, तब वहाँ पर नीदर का यूज़ करते हैं। नीदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। आइदर और एंड नाइदर नॉर एक कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। पहला एग्जांपल है आइदर यू गो और लेट मी गो, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो। सेकंड एग्जांपल है आइदर आई विल कम और सेंड समवन, या तो मैं आऊँगा या किसी को भेजूँगा। नाइदर नॉर के एग्जांपल में पहला एग्जांपल है नाइदर आई कैन सिंग नॉर आई कैन डांस। इसको और छोटा करके हम बोल सकते हैं नाइदर आई कैन सिंग नॉर डांस, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस। ना मैं गा सकता हूँ ना ही नाच सकता हूँ, तीनों का एक ही मतलब होगा। नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, न चाय न कॉफ़ी।